Hi, in this video, we'll talk about what are the various approaches to probability. Hum three different approaches ki baat karenge. First, the classical or the mathematical approach. Second, the empirical or the statistical approach. Third, the axiomatic approach. We will start with the classical or the mathematical approach. Hum usko define karte ki basically approach hoti kya hai. Let a random experiment. Random experiment ka meaning ki रैंडम एक्सपेरिमेंट का सिंपल मतलब ऐसा होता है कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर रैंडमली कोई भी आउटकम आ सकता है. रिजल्ट इन एन इक्वली लाइकली. इक्वली लाइकली मतलब हर उसके इक्वल चांसेस हो आने के. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो. इट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिंपल इवेंट्स. एग्जॉस्टिव का मतलब जब हम उन सारे इवेंट्स को एक साथ कलेक्ट करें हमारे पास हमारा पूरा सैम्पल स्पेस आ जाए. सिंपल इवेंट्स का मतलब हर इवेंट में देयर इज अ सिंगल आउटकम. राइट, हर इवेंट में एक ही सिंगल आउटकम हो सकता है. लाइक अगर हमने डाई थ्रो किया है एंड वी से नंबर टू अपीयर्स, इसके अंदर आउटकम क्या है? टू. तो वो एक सिंपल इवेंट है. लेकिन अगर हम कहते हैं एन इवन नंबर अपीयर्स, उसके अंदर टू फोर सिक्स थ्री डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है. सो एक कंपाउंड इवेंट. बट हमें उस कॉम्पोजिट इवेंट, बट हमें उसकी बात नहीं करनी, अभी हमें सिंपल इवेंट की बात करनी है. तो हर हमारे जितने भी हमारे इवेंट होंगे उसके अंदर जो आउटकम होगा दैट विल बी सिंगल. तो अगर हमारे पास एन ऐसे इवेंट्स है देन लेट एम आउट ऑफ दिस एन. अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास अगर हर इवेंट में एक ही आउटकम है, इसका मतलब वी हैव एन डिफरेंट आउटकम्स और एन डिफरेंट इवेंट्स. तो उस उन एन आउटकम में से एम बी द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए. अब वो जो जितने भी हमारे आउटकम्स बच रहे हैं उन एन आउटकम्स में से वी आर कलेक्टिंग एम डिफरेंट आउटकम्स, और वो जो एम डिफरेंट आउटकम्स है दोज आर फेवरेबल टू द इवेंट ए. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन. वॉट इज एम ओवर है? इट इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to A upon total number of outcomes. या फिर हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं probability of A is equal to number of outcomes in event A upon number of outcomes in the entire sample space. Right? Where N A is equal to number of outcomes N A and N of S is equal to number of outcomes in S. So ये हमारी classical definition of probability सिर्फ इतना ही बताती है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो सिंपली एम अपॉन एन करेंगे, उससे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. राइट, अब हम उसके लिए कुछ नोट्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इमीडिएटली से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस दैन इक्वल टू वन. बेसिकली वो इसी रेंज में लाई करता है ना, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो बट लेस दैन इक्वल टू वन. ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन. राइट, एंड एम इज लेस दैन इक्वल टू एन. राइट, तो हमेशा जब भी ये होगा तो ऑब्वियसली अगर एम एन के इक्वल है तो ये वन भी हो सकता है, बट एम हमारा जीरो भी हो सकता है, तो दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. अब वैसे ही सेकेंड, this was our first note. So now हम secondly एक चीज़ और बात कर सकते हैं complement की, probability of a complement, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको. इसका मतलब क्या होता है? probability of non-happening of an event A. हमने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात की थी हम सिंपली कह रहे थे कि हमारा इवेंट ए होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. अब हम कह रहे हैं हमारे इवेंट ए ना होने के कितने चांसेस हैं. राइट, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स
favorable to non-happening of A upon total number of outcomes. अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो इवेंट्स चाहिए जो हमारे नॉन हैपनिंग ऑफ ए से हो. नॉन हैपनिंग ऑफ ए मतलब जिसमें ए ना हो, मतलब एन माइनस एम, और डिनोमिनेटर में दिस बिकम्स एन. अगर हम इसको लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस एम अपॉन एन, या फिर वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो सिंपली वो क्या कह रहे हैं हमें, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट. This is very important. अब वैसे ही हमारे पास एक और outcome है. Sometimes the probability of an event is expressed in terms of odds, that is either odds in favor of an event or odds against an event. Please see, ये बहुत important concept है, because sometimes questions इससे आ जाते हैं, and अगर हमें इसका meaning ना पता हो तो question हमें कितने भी अच्छी तरह आता हो हम उसको नहीं solve कर पाते. सो इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ ए इज एनी इवेंट, अगर ए हमारा कोई इवेंट है, देन ऑड्स इन फेवर ऑफ ए का मतलब क्या है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, राइट. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की रेशियोज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे भी आपको गिवन हो फ्रैक्शन या रेशियो में. एंड ऑड अगेंस्ट ए का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट ए का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब वो ये रेशियो दे रहे हैं. बस अगर हमें सिंपली इतना याद हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर हम इसके लिए एग्जांपल देखना चाहे तो लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/3, राइट. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कह रही 2/3 है तो मुझे बताना हो, देन द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली 2/3 अपॉन 1/3, दैट इज 2:1. एंड अगर मुझे वैसे ही लिखना हो कि ऑड्स अगेंस्ट ए, ऑड्स अगेंस्ट ए का मतलब क्या हो गया, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3:2/3, मतलब 1:2. बस इनमें यही डिफरेंस है. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए प्रोबेबिलिटी और सॉरी दी ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इतने हैं एंड दी ऑड्स अगेंस्ट ए इतने हैं, तो फिर आपको सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं. वैसे ही अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ऑफ एन इवेंट व्हेन आइदर दी ऑड्स इन फेवर ऑफ ए और ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर नोन, इसका मतलब क्या है कि सिंपली इतना कह रहे हैं, अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर एम इज टू एन, इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, अगेन इसका मतलब m by n, राइट. ऑड्स इन फेवर ऑफ a का मतलब a m is to n का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा, इसको सिंपली m प्लस n. एंड अगर हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी, इफ दी ऑड्स अगेंस्ट a आर m is to n, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू सिंपली n अपॉन m प्लस n. क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आपने इसका सम करा 2+1 तो 3, आपको वो टोटल मिल जाता है, दैट दिस इज 3, ये हमारा टोटल है. सो वैसे ही अगर हमें बताना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो हम उसको सम कर देंगे. एंड हमें पता है ऑलरेडी दिस m इज बेसिकली फॉर दी a प्रोबेबिलिटी ऑफ a, एंड जब अगेंस्ट है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट के रिप्रेजेंट करता है, राइट. सो बेसिकली दिस वॉज बेसिकली द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन सिचुएशंस इन विच द पॉसिबिलिटीज दैट अराइज कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इक्वली लाइकली. हम सिर्फ ये उन्हीं सिचुएशंस में कर सकते हैं जहाँ आउटकम्स हमारे सारे इक्वली लाइकली, जैसे कॉइन टॉस करना, डाई थ्रो करना, बट हम उन केसेस में नहीं कर सकते जहाँ इक्वली लाइकली नहीं है. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कैसे बता सकते हैं वेदर इट विल रेन टूडे और नॉट,
हम ये नहीं बता सकते यूजिंग दिस क्लासिकल डेफिनेशन, बिकॉज इक्वली लाइकली चांसेस नहीं होते, एवरी डे द चांसेस आर डिफरेंट, राइट. सेकेंड इज फेल्स इन सिचुएशन वेयर एन इज इनफाइनाइट. यस, क्योंकि देखो आप हमारा यहाँ पे एन होता है, राइट. इफ दिस एन इज इनफाइनाइट तो हम कैसे बताएंगे कि इसकी क्या वैल्यू होगी, प्रॉबिलिटी नहीं ना. सो उन केसेस में ये फेल हो जाता है. एंड क्योंकि ये फेल हो जाता है तो इसके रेस्क्यू के लिए जो हमारी सेकेंड कंडीशन है, टू सॉल्व दिस वी हैव एम्पेरिकल और द स्टैटिस्टिकल अप्रोच. एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच इसके रेस्क्यू पे आते हैं. व्हाट डज दिस से इज, वो सिंपली ये कहता है इफ एन एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है अंडर एसेंशियली आइडेंटिकल कंडीशंस. प्लीज देखो, एसेंशियली आइडेंटिकल कंडीशन मतलब हमारे हर एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं. सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम अपॉन एन. देखो अब इसका सिंपली मतलब क्या है, हम जहाँ पर लेट्स राइट डाउन कि एग्जैक्टली क्या है. एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स an experiment is conducted right and m is the number of times an event occurs. तो सिंपली ये कह रहे हैं अगर हमारा एक्सपेरिमेंट, किसी हम एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो इन दैट केस हमारी एम अपॉन एन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, राइट. एम अपॉन एन की जो भी लिमिटिंग वैल्यू आती है, इसका मतलब जब एन हमने इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है या फिर एन के लार्ज नंबर ऑफ ट्राइज लिए, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एम अपॉन एन विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट. अब आप एक चीज़ को देखें कि आप बोलोगे डिफरेंस क्या है इन द एम्पिरिकल और द स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड द क्लासिकल अप्रोच. जनरली देखो आपको क्या बोल रहे हैं ये कि क्लासिकल अप्रोच क्या बोल रही थी, लेट्स राइट इट डाउन. क्लासिकल अप्रोच क्या कह रही थी, अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट रन किया है जहाँ पे आपने 10 ट्रायल्स करे हैं, सो देयर आर चांसेस कि यू विल गेट 5 हेड्स एंड टेल्स आर 5, चांसेस है इस चीज़ के. लेकिन आप जनरली सोचो क्या ऐसा ज़रूरी है कि ऐसा कभी भी होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 8 आपके पास हेड्स आ जाए, इट्स जस्ट बाय चांस, कुछ भी हो सकता है. बट आपकी जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है वो सिंपली ये कह रही है कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 500, उस केस में क्योंकि हेड्स और टेल्स दोनों के 50-50 चांसेस होते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे हेड्स 250 आ जाए और टेल्स भी हमारे 250 आ जाए या उनके नियर आ जाए. सो बेसिकली क्लासिकल अप्रोच बात करती है अगर कम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में, लाइक व्हेन एन इज स्मॉल. बट स्टैटिस्टिकल अप्रोच हमारी तब हेल्प करती है जब हमारे एन इज क्वाइट लार्ज. बट अगेन क्लासिकल अप्रोच की तरह हमारी स्टैटिस्टिकल अप्रोच की भी कुछ लिमिटेशंस हैं. जब n नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत लार्ज हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जितनी भी कंडीशंस हो सारी होमोजीनियस हो. द एक्सपेरिमेंट कंडीशंस मे नॉट रिमेन एसेंशियली होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल इफ इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम. देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स जब रिपीट कर रहे हैं तो हमारी कंडीशंस चेंज हो जाए. सेकेंड, द रेशियो m अपॉन n मे नॉट अटेन अ यूनिक वैल्यू नो मैटर हाउ लार्ज n बी. ऐसा ही पॉसिबिलिटी कि m अपॉन n कितना भी आप एन को बढ़ाते जाओ कभी भी वो यूनिक वैल्यू पे ना आए. देयर आर सर्टेन केसेस, सो इन दोस केसेस हमारा ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच फेल हो जाती है. आर थर्ड अप्रोच इज एक्सियोमैटिक अप्रोच. एक्सियोमैटिक अप्रोच इज बेसिकली क्या है, उसके अंदर देयर आर सम सर्टेन सेट्स ऑफ एक्सियम्स, हम उन एक्सियम्स को पढ़ेंगे. एंड दिस इज मोर बेस्ड इन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसमें मोर ऑफ लॉजिकल थिंग है. बट इट्स जस्ट अ थ्योरी एंड मेनली जो आप यूज़ करते हैं, आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप क्लासिकल अप्रोच यूज़ करते हैं. एक्सियोमेटिक अप्रोच जो होती है वो यूज़ होती है व्हेन यू नीड टू डेवलप सम थ्योरीज, राइट, नॉट व्हेन यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस.
अब एक्सियोमैटिक अप्रोच को समझते हैं. लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस, एस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस. अच्छा हम कह रहे हैं अगर एस हमारा सैम्पल स्पेस है एग्रीड, बट वो जरूरी नहीं है प्रोबेबिलिटी स्पेस कहलाए. एस प्रोबेबिलिटी स्पेस तभी होगा इफ फॉर एवरी इवेंट ए इन एस, अगर हम कोई भी एक इवेंट उठा ले ए में, एस में से, देयर इज अ नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अगर ऐसा है कि एस हमारा प्रोबेबिलिटी स्पेस तभी होगा अगर एक इवेंट है सैम्पल स्पेस एस में से और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हर इवेंट ए के लिए सेटिस्फाई हो जाए थ्री कंडीशंस. फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन. तो जनरली हम ये देखते हैं कि सारे आउटकम्स की अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी इज वन. सो दैट इज फ्रॉम द एक्सियोमैटिक अप्रोच. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी whenever A and B are two events with A intersection B is equal to phi. Phi का मतलब क्या होता है? This is a null set. Null set और ये blank है. कोई भी common हमारे इनके बीच में कोई भी common element नहीं है A intersection A और B के बीच में. So simply अगर ये three conditions satisfy हो रही है that P or probability of A union B is equal to probability of A plus probability of D B अगर A intersection B is phi, right? एंड यहाँ पर हमारे पी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड पी ऑफ ए इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए. ये तो जनरली हम वैसे ही देखते हैं. अगर हमारी ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी स्पेस. अब जनरली दिस इज मोर फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. एम्पेरिकल स्टडी सिर्फ तभी यूज होती है जब वेन आर ट्रायल्स आर क्वाइट लार्ज, राइट, वेन एन टेंस टू इन्फिनिटी. And this classical theory is basically used in general terms, जो कि हम generally use करते to solve most of our questions. Exam में mostly for business statistics specially, classical or the mathematical approach is the most important because mainly वही आती है. I hope you like this video. Do subscribe this channel for more videos. Thank you.